नमस्कार। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में अगला सवाल पूछ रहे हैं विकास विश्वकर्मा जी। विकास जी पूछते हैं, सर मेरे फर्स्ट फ्लश में कॉब वेब आ गया है, मैं क्या करूं? सो विकास जी, आपके फर्स्ट फ्लश में कॉब वेब आया है, इसका मतलब ये है भी आपकी जो केसिंग है वो प्रॉपरली आपने पैश्चराइज नहीं की, या आपने जो केसिंग प्रिपेयर की वो केसिंग आपके कहीं सॉयल कॉन्टैक्ट में आई हुई है। सो पहले हम इस पे प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे। आप क्या कीजिए, अगर आप लगातार फार्मिंग कर रहे हैं तो आप अपने रूम के जो आपके ग्रोइंग रूम्स हैं जहां पे आप केसिंग प्रिपेयर करते हैं वहां पे आप बॉडी एक्स मिक्सचर का स्प्रे कीजिए पहला। दूसरा 5% फॉर्मलिन सॉल्यूशन का स्प्रे कीजिए इसके बाद, ताकि आपके आसपास जो फंगल स्पोर्स हैं वो या जो फंगल माइसीलियम है वो किल हो जाए। दूसरा आप जो केसिंग, तीसरा जो आप केसिंग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको पक्के फर्श पे प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, और ताकि जो स्पोर्स हैं या माइसीलियम सॉइल से आता है इस फंगस का वो ना आए। अब अगर आपके फार्म में आ गया है तो इसका क्योर क्या है? देखिए, ये 100% कभी कोई भी फंगल डिजीज आ जाए वो 100% रिमूव नहीं होती। तो इसका सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप जो टेम्परेचर है अपना जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, जिस ग्रोइंग रूम का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर आप डाउन कर दीजिए 15 डिग्री सेल्सियस तक ले जाइए। इतने टेम्परेचर पे आपकी मशरूम थोड़ी स्लो हो जाएगी, बट जो माइसीलियम एक्टिविटी है कॉब वेब की वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दूसरा, इसके साथ साथ आप जो ह्यूमिडिटी है वो 90% से कम कर दीजिए, आप 80 के आसपास ह्यूमिडिटी रखिए, इससे भी आपका जो फर्दर कॉब वेब है वो नहीं फैलेगा। तीसरा, आप बेनोमाइल का स्प्रे कर सकते हैं 0.1% आप बेनोमाइल का स्प्रे कर सकते हैं। ये जैसा कि यहां पे तो आपका आ ही रहा है, अगर आपको डर लग रहा है कि अगर एक कमरे में भी ना फैके तो वहां पे फैले, तो वहां पे आप पहले ही कॉब वेब के लिए प्रिवेंशन के लिए बेनोमाइल का 0.1% 1 ग्राम 1 लीटर में स्प्रे कर सकते हैं, फॉलो कीजिए। होप आपके यहां से कॉब वेब चला जाए। कंटेंट अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।